कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान थावरचंद गहलोत ने कहा कि अभी तक अयोध्या के विकास को टीवी पर ही उन्होंने देखा था, आज खुद अयोध्या का विकास देखने पहुंचे हैं। अयोध्या में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है, अयोध्या विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देशवासियों से उन्होंने अपील की कि यहाँ आकर रामलला के दर्शन करें। एक ऐतिहासिक मांग पूरी हुई है, अयोध्या राम की जन्मस्थली है और उनकी जन्मस्थली पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और रामलला की मूर्ति स्थापित हुई है। मैं भारतवासी हूँ, धर्म और संस्कृति के प्रति अगाध आस्था है और इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं रामलला के दर्शन करूं और उसी निमित्त आया हूं। लोकसभा चुनाव को पारदर्शिता और शांतिपूर्ण चुनाव के तहत सभी महत्वपूर्ण तैयारियां पूरी कर ली है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सके। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर शहर के करीब 6,000 लोगों को 107/16 के तहत नोटिस भेजा गया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि चुनाव में किसी भी तरह से कोई गलत व्यवहार ना हो, ना ही चुनाव में पक्षपात या गड़बड़ी हो, इसके लिए ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जा रही है जिन पर पहले से आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे लोग जो कभी शहर में किसी भी तरह से शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश कर चुके हैं, जिन पर इस तरह के आरोप हैं, जिन पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है, उन सभी को चिन्हित कर नोटिस भेजा जा रहा है, निगरानी भी रखी जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे लोगों पर पुलिस निगरानी रख रही है। कुछ दिनों में विशेष रूप से पिछले एक वर्ष में जो लोग वायलेंट एक्टिविटीज में रहे हैं, किसी प्रकार की मारपीट किए हैं, किसी प्रकार का हिंसा किए हैं, जो पिछले चुनावों में गड़बड़ियां की हैं, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करके इनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई, जिसमें हम 107/16, 110G, गुंडा एक्ट और जो बहुत हैवी टाइप के क्रिमिनल्स हैं उन लोगों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से हो, इसके लिए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अपनी कमर कस ली। यही वजह है कि पूर्व के चुनाव में जिन लोगों ने उपद्रव किया था या बवाल किया था या माहौल खराब करने का प्रयास किया था, उनकी एक लंबी सूची तैयार की गई है जिसके तहत 6,000 से ज्यादा बलवाइयों को चिन्हित किया गया और 107/16 की कार्रवाई की, कुछ के खिलाफ 110 की कार्रवाई की गई और कुछ के खिलाफ पुलिस लिखा पढ़ी भी कर रही है। इसमें 1,000 लोगों को अभी तक नोटिस सर्व करा दिया गया, जिसके बाद से कई पूर्व के बलवाई भूमिगत हो गए हैं और पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। हरदोई में एक चलती रोडवेज बस का फ्यूल टैंक फट गया। फ्यूल टैंक के फटने के बाद रोडवेज बस से डीजल बहने लगा। ये देखकर आसपास के गांव वालों में डीजल लूटने की होड़ मच गई। बाल्टी और टब बर्तन लेकर सभी पहुंच गए फ्यूल टैंक से बहने वाले डीजल को लूटने के लिए। हालांकि फ्यूल टैंक के फटने के बाद स्पीड में चल रही रोडवेज बस को किसी तरह से ड्राइवर ने रोका, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हरदोई से लखनऊ के लिए 20 से 25 सवारियां भरकर जा रही थी, तो रास्ते में बमना खेड़ा के पास एक रोडवेज खड़ी दिखी, लगा हमें बड़ा हादसा हो गया कुछ, तो पता चला कि रोड बन रही है, उससे कोई पत्थर उछला, वो लग गया जाके टैंकर में, वो टैंक में डीजल वाले, तो वो फूट गया, उससे डीजल बहने लगा। तो हमने कहा चलो बची गए नहीं, आग आग लग जाती तो लेखन हो जाती। लोग वहाँ से सवारी वारी नहीं देख रहे हैं, डीजल भर रहे हैं, बाल्टियाँ टब लेके आ रहे हैं, जमीन से उठा उठा के भर रहे हैं, कोई टैंक से डायरेक्ट भर रहा है।